यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर सभी सदस्यों ने एक लंबा इंतजार किया है और संघर्षों के परिणाम स्वरूप वे वैकेंसी आई। लगभग 9,500 पदों पर यह वैकेंसी आई है। पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने इतने पदों पर कभी भी वैकेंसी नहीं दी और होनी भी चाहिए क्योंकि 3 साल की संयुक्त वैकेंसी है। तो यह स्वर्णिम अवसर आपको मिला है, लेकिन जब से यह नोटिफिकेशन आया है 1 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जाना है, तब से आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क में कुछ प्रश्न संदेह कर गए हैं। इस वैकेंसी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और संदेह यह आ गया है कि यह वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, ऐसा तो ना हो कि वैकेंसी कोर्ट चली जाएगी, पुराना इतिहास भी ऐसा रहा है। इन सब की वजह से आप तैयारी की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ऐसे समय बीतता आपका जा रहा है। ये महत्वपूर्ण वैकेंसी है, समय को ऐसे नहीं बताना है। आज मैं तथ्यात्मक रूप से इस वैकेंसी की वैधता पर आप लोगों को बताता हूं, जिससे कुछ प्रश्नों के जवाब आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे और तस्वीर आपके समक्ष थोड़ी सी साफ हो जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है ओवर एज का, क्योंकि अगर 3 साल की वैकेंसी है तो आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से कर ली गई है। तो ओवर एज मामले में कमीशन क्या कर रहा है, कैसे उससे संपर्क हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। परीक्षा पैटर्न को लेकर भी थोड़े से बदलाव की बात हो रही है, उसके बारे में भी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्थान में यूपीएसआई के लिए एकलव्य बैच आयोजित किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो एकलव्य बैच का फ्री टेलीग्राम चैनल आप सभी लोगों के लिए वहां पर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सभी परीक्षार्थी पूरे प्रदेश में जिनको संस्था में प्रवेश लेना हो नहीं लेना हो, आप एकलव्य बैच को ज्वाइन करें। वहां पर संस्था की तरफ से इतनी निःशुल्क जानकारियां आप लोगों को दी जाती है जिससे आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा और सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। जिन लोगों को प्रवेश लेना है वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। समस्त जानकारियां प्रवेश से संबंधित वहां पर आपको मिल जाएंगी। आपके चयन के लिए बैच का सस्ता होना, बैच की वैलिडिटी ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कितनी गुणवत्तापूर्ण तरीके से आपको पढ़ाया गया ये महत्वपूर्ण है। हम आपको कोई पेनड्राइव कोर्स दे दें और उसकी 2 वर्ष की वैलिडिटी हो, उस कोर्स में निरस्ता हो, वो समसामयिक मुद्दों से जुड़ा हुआ ना हो, उस कोर्स को अच्छे से पढ़ाया ना गया हो, आप कहीं उसका फीडबैक ना दे सके, कोई डाउट सेशन ना ले सके, तो ऐसा रिकॉर्डेड पेनड्राइव कोर्स भी आपके काम का नहीं है। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा आपको लाइव कक्षाएं देता है, गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं देता है, आपके सुझावों को अपनी कक्षाओं में शामिल करता है, आपके बैच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय समय पर परिवर्तन के हिसाब से कौन सी चीजें जरूरी हैं उनको अपने इसमें शामिल करता है। यही इसी का परिणाम है कि आप देखिए पिछले वर्ष टारगेट मुताबिक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने लगभग 4,000 के आसपास सिलेक्शन दिए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, बीओ और पीसीएस हो। पीसीएस में 17 चयन संस्थान से है, बीओ में 50 से अधिक चयन है जबकि 400 से 500 सीट थी, 3218 चयन एस्टेट में है। यह हमारी गुणवत्ता का परिचायक है। कोर्स लेना आपके भविष्य से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चीज है। जब आप कोर्स को परचेज करते हैं, किसी संस्थान के कोर्स को लेते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगले 4 महीने आपको मिले हैं, उस 4 महीने को आपको बहुत समझदारी से यूज करना है, क्योंकि ये 9500 वैकेंसी जो यूपीएसआई की आई है वो फिर से नहीं मिलेगी। अगर आपके 4 महीने व्यर्थ हो गए तो इसके बाद ये मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ सबसे सटीक मार्गदर्शन में मेहनती और अनुशासित अध्यापकों के साथ जुड़िए, जिससे उन 4 महीनों की वैल्यू आपको आ चुके। यहां कोई आप कपड़ा नहीं ले रहे हैं कि सस्ता होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, नहीं, यहां पे आप कोर्स ले रहे हैं। ये कोर्स एक निर्णय है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसका ध्यान रखिए और एक बेहतरीन और विश्वसनीय टीम के साथ जुड़िए, जिससे 4 महीने बाद जो आपका वर्दी पहनने का सपना है, जो आपके सितारे सजाने का सपना है, वह साकार हो सके और हम भी गर्व कर सके कि हम इस सपने में आपके हिस्सेदार रहे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अब आपकी बारी। उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के शानदार मार्गदर्शन में 4 माह का एक संपूर्ण बैच, जिसमें आपको सब कुछ वो जरूरी जो आपके चयन के लिए जरूरी है वो यहां पर प्रदान किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूपीएसआई का बैच है, जिसकी विशेषताएं सामने है, आप इसको देख सकते हैं। 6 घंटे की प्रतिदिन कक्षाएं, हैंड रिटन नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, लाइव डाउट सेशन है, चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस है, संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट है, मैराथन रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है। ये सभी 4 माह में और एक ही बैच के पैकेज में लगभग 600 से ज्यादा कक्षाएं हम आपको प्रोवाइड करेंगे और ये कक्षाएं हम आपको लाइव प्रोवाइड करेंगे। आपके चयन के लिए जितनी सामग्री आवश्यक है वो सभी सामग्री विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आपको अगले 4 माह प्रदान की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया 4 दिन प्रारंभ है, 4 दिन में आप प्रवेश ले लीजिए।
6 मार्च से हम कक्षाएं एकलव्य बैच की प्रारंभ करने चल रहे हैं। 6 मार्च की तारीख आप नोट कर लीजिए। 6 मार्च तक आपको वेबसाइट से लॉगिन आईडी पासवर्ड से जोड़ लिया जाएगा और 6 मार्च से जिन लोगों ने प्रवेश लिया उनकी कक्षाएं यहां पर प्रारंभ हो जाएंगी। कैसे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एंट्री यूपीएसआई 2021 लिखकर हमें सेंड कर दीजिए। एक व्हाट्सएप पर एक विस्तृत मैसेज के माध्यम से हमारी टीम आपको संपर्क करेगी जिसमें समस्त जानकारियां प्रवेश से संबंधित होंगी। और अगर थोड़ी बहुत समस्या आपके मन मस्तिष्क में रह जाती है तो यह हमारे संस्थान के नंबर है, प्रातः 10 बजे से लेकर आप शाम को 7 बजे तक हमारे काउंसलर सदस्यों से बात करके भी प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए वैकेंसीज की टेक्निकलिटीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी में आपके मन मस्तिष्क में जो प्रश्न सबसे ज्यादा बलवती हो रहा है, जो सबसे ज्यादा डाउट है, वो प्रश्न ये है कि 1.3 जो यहां पर एक दिया गया है जिसमें लिखा है आपका जो नोटिफिकेशन आया है, प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। इस पॉइंट को लेकर आप लोग सबसे ज्यादा परेशान है कि पॉइंट क्यों दिया गया, तो यह नकारात्मकता आप अपने मन से निकाल दीजिए क्योंकि विज्ञप्ति का अपना एक ड्राफ्ट होता है। ऐसी बात नहीं है कि यह जो लाइन है वो इसी वर्ष की भर्ती में लिखी गई है। जैसे मैं आपको इसकी भी जानकारी को पुष्ट करता हूं, इस समय हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन खोला हुआ है आप गौर से देख लीजिए, यह नोटिफिकेशन 2021 का है ना, और 2021 के नोटिफिकेशन में यह बात लिखी हुई है। अब मैं आपको इसी भर्ती का नोटिफिकेशन 2016 को दिखाता हूं जो भर्ती फाइनल हो चुकी है। यह जो नोटिफिकेशन है यह 17 जून 2016 को आया था और 17 जून 2016 के नोटिफिकेशन को भी जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप जब नीचे जाते हैं उसी पॉइंट में 1.3 में तो आप देख लीजिए सेम चीज वहां पर वर्णित है। ये देखिए, प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण के बताए निरस्त की जा सकती है। जब हमारे पास एक्सपर्ट्स के द्वारा भर्ती का एक ड्राफ्ट होता है तो हम उस ड्राफ्ट में थोड़े बहुत परिवर्तन करने के साथ साथ उस भर्ती को रिलीज कर देते हैं, उसके नोटिफिकेशन को रिलीज कर देते हैं। इस पर सरकार की मंशा को या भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की मंशा पर डाउट क्रिएट करना अपरिपक्वता होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और इस भर्ती में जब ये लिखा था तो भी 2016 की भर्ती आप जानते हैं कि फाइनल हो गई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो पहले तो मन मस्तिष्क से चीजें आप निकाल दीजिए कि भर्ती कोर्ट चली जाएगी या ऐसे कुछ लिखा है तो सरकार की मंशा में कोई दिक्कत है या भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की मंशा में कोई दिक्कत है। नहीं, इतनी अनिवार्य आवश्यकता है 10,000 के लगभग दरोगाओं की, यह भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी होगी और आने वाले 4-5 महीनों में प्रक्रिया अच्छे से पूरी कर ली जाएगी। तो आप मन मस्तिष्क से चीजें निकालकर अगर स्वयं से तैयारी करनी है तो आप तैयारी को प्रारंभ कर दें क्योंकि यह एक ड्राफ्ट है भर्ती का। हर बोर्ड का भर्ती का अपना एक ड्राफ्ट, एक टेक्निकलिटी होती है, उसके हिसाब से इन चीजों को यहां पर दर्ज किया गया है। यहां पर कोई भी परेशानी की बात आप लोगों की नहीं है। अगला महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से कर ली गई है, तो 2018 से जो लोग हैं वो ओवर एज हो गए हैं और इन ओवर एज वालों को कैसे मौका मिलेगा, इसके लिए भी आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और मंगलवार 12:30 बजे का समय 16 सदस्यीय टीम को मुलाकात का मिला है जो इस मुद्दे पर हम लोग ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी बात रखने जा रहे हैं। मंगलवार 12:30 बजे का समय दिया गया है संबंधित अधिकारियों द्वारा, जो भर्ती के लिए जो है संबंधित अधिकारी हैं, और उम्मीद करिए कि जिस माध्यम से और जिस तैयारी से हम लोग जा रहे हैं पूरी कोशिश होगी कि 2018 से जो अभ्यर्थी है इस आयु की गणना 1 जुलाई 2018 से की जाए जिससे कि जो लाखों सदस्य प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित ना हो। तो इसके लिए पूरी ड्राफ्टिंग कर ली गई है, समय लिया गया है और मंगलवार को शाम को हम लोग आपको अपडेट करेंगे कि वास्तव में क्या जानकारी वहां से निकल के शाम को आपकी आ रही है। मंगलवार को पूरा ड्राफ्टिंग करके इससे बात की जाएगी और निश्चित रूप से आप लोग सकारात्मक रहिए, इसमें भी आप लोगों को सकारात्मक ही खबर सुनने को मिलेगी। अगले 5 से 10 दिन बाद आप देखिएगा जब इन चीजों पर विचार होगा तो आयु वाले लोग भी जो है वो हताश ना हो। हम
सभी लोग आपके लिए कार्य कर रहे हैं और आप सभी लोग ही कार्य कर रहे हैं हमारे माध्यम से, तो हम सभी लोग जुटे हुए हैं। प्रयागराज के लगभग सभी महत्वपूर्ण लोग जो है वो जुटे हुए हैं। एक पूरा 16 सदस्यीय इसमें पूरी टीम लगी हुई है जो इस पर कार्य कर रही है, तो आप लोगों को आसान्वित रहने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है परीक्षा पैटर्न को लेकर, तो परीक्षा पैटर्न आपका ऑनलाइन है, एक दिन आपकी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। फॉर्म की संख्या के अनुपात में हम लोग देखें तो परीक्षा जो होगी वो आपकी कई दिनों तक चलती रहेगी, हो सकता है कि 15 से 20 दिनों तक आपकी परीक्षा चलती रहे। तो बढ़िया से आप देखिए, लगभग अगर हम लोग देखें तो 4 माह का समय आप ले लीजिए। अगर यहां से हम लोग देख के चलते हैं तो 5वें माह में आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग तैयारियों के लिए भी कमीशन को समय चाहिए। लेकिन लगभग जो बात निकल के सामने आई है, लगभग आपको 120 दिन के आसपास का समय अभी परीक्षा के लिए मिलेगा। इससे ज्यादा के समय की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो शायद ये आपके लिए सही नहीं है। विस्तृत पाठ्यक्रम है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है और एक स्तरीय एग्जाम है। इसकी रीजनिंग के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उस वीडियो को हटा लिया गया। मैं जल्द ही रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे जो अभ्यर्थी घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं, वो संस्थान से नहीं जुड़ सकते लेकिन किसी माध्यम से संस्थान से जुड़े हैं, उनको भी जानकारी मिल सके। ऐसा वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है एकलव्य बैच का, उसमें निःशुल्क प्रेषित किया जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के मन में है कि क्या पीईटी की परीक्षा के बाद यूपीएसआई की परीक्षा होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पीईटी की जो परीक्षा है वो केवल UP SSSC जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UP SSSC के एग्जाम के लिए ही है, जो समूह गा के है। तो UPSI से पहले आपको PET पास नहीं करना है, UPSI एक स्वतंत्र परीक्षा है, यहां पर आपको PET पास करने की जरूरत नहीं है, यहां पर अपना एक स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर में आपको तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो से आपके कुछ प्रश्न जो फ्रिक्वेंटली आप हमारे काउंसलर सदस्यों से पूछ रहे थे, उनमें आपको जरूर कुछ जानकारी मिली होगी। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ये सब आप अपने मन मस्तिष्क से निकाल लीजिए, ना उस पॉइंट की कोई नकारात्मकता है उसको भी मन मस्तिष्क से निकाल लीजिए। आयु वाले उसमें आप सकारात्मक रहिए और आसान्वित रहिए, हो सकता है कि आपके पक्ष में कुछ अच्छा फैसला हो, लगातार हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा प्रणाली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बैच की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, है ना। जल्दी से बैच से जुड़िए, 4 दिन प्रवेश प्रक्रिया जारी है, 6 मार्च से एकलव्य बैच की शानदार कक्षाएं प्रारंभ करने चल रहे हैं, ऐसा मौका बार बार आप लोगों को नहीं मिलेगा। 120 दिन के लिए बहुत अच्छा निर्णय अपने मन मस्तिष्क में लीजिए, यह निर्णय आपका जीवन परिवर्तन करने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जल्द ही मुलाकात होगी, धन्यवाद।